Beauty of the Ugly by description में ही जा जा जल्दी से जाके देख लो। मुझे ये प्रोजेक्ट जल्दी से रीड करना होगा। अनुष्का खुश हो जाएगी। हाँ मेरा प्रोजेक्ट बस कंप्लीट होने ही वाला है। टंग 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 टंग। ओह नो लंच टाइम तो हो गया है लेकिन मेरा प्रोजेक्ट अभी भी थोड़ा सा बाकी है। ठीक है मैं ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं लंच कर लूंगा। दूदू तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है क्या? हाँ अनुष्का बस कुछ ही बाकी है कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा दूदू तूने लंच किया है? नहीं रे अनुष्का ये प्रोजेक्ट बस थोड़ा सा बाकी है ये कंप्लीट करके फिर मैं लंच कर लूंगा। अरे दूदू इतना भी प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है तू पहले लंच कर ले फिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। अच्छा अनुष्का तू कह रही है तो फिर ठीक है। अच्छा दूदू चल ना हम दोनों बाहर से जाके लंच करके आते हैं कोई रेस्टोरेंट पे जाके। नहीं अनुष्का मेरी बुबू मुझे घर से ही खाना बनाकर दे चुकी है मैं वही खाना खा लूंगा। अच्छा मुझे तो लग रहा है कि तू अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। हाँ हाँ अनुष्का वो तो है मैं बुबू से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन दूदू बस एक दिन की ही तो बात है तू मेरे साथ अगर रेस्टोरेंट में खाना खाएगा तो तेरी बीबी शायद गुस्सा नहीं करेगी। नहीं बुबू गुस्सा तो नहीं करेगी लेकिन खाना वेस्ट हो जाएगा ना अनुष्का इसीलिए। अरे तो वो खाना बाद में भी खा सकता है चल ना हम दोनों बहुत दिन बाद मिले हैं चल आज जाके रेस्टोरेंट ही खाना खा लेते हैं हम दोनों मिलके। अच्छा तू इतनी बार कह रही है तो फिर चल जाके रेस्टोरेंट में ही खाना खा लेते हैं। हाँ दूदू चल बहुत मजा आएगा। दूदू मैं नूडल्स ऑर्डर कर चुकी हूँ तुझे नूडल्स पसंद है ना? हाँ अनुष्का तुझे याद है मुझे नूडल्स पसंद है तूने ऑर्डर करके बहुत अच्छा किया है। यहाँ का नूडल्स तो बहुत ही अच्छा है अनुष्का। हाँ दूदू इसलिए तो मैं यही रेस्टोरेंट में आती हूँ। मेरा खाना खत्म हो गया है अब चल अनुष्का ऑफिस चलते हैं। हाँ चल अब मैं बाकी प्रोजेक्ट का काम खत्म कर लेती हूँ कुछ देर बाद। हाँ मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है अब मैं घर जाता हूँ। बुबू को मैं बहुत टाइम से नहीं देखा हूँ। तुम कहाँ पर हो? My sweet bubu. हाँ दूदू बताओ तुम्हारा आज का दिन कैसा था और तुम्हारा नेम वाज अनुष्का तुम्हें तो ज्यादा काम का प्रेशर नहीं दे रहा है ना वो? नहीं नहीं बुबू मेरा तो प्रेशर अब कम हो गया है अनुष्का मेरा बॉस है अब मैं अगर काम में कुछ गलतियाँ भी करूँगा तो अनुष्का सब कुछ संभाल लेगी। तुम्हें पता है बुबू आज मैं और अनुष्का लंच पर गया था। ओ दूदू ऐसा बात है क्या? तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुम अनुष्का के साथ लंच पर जा रहे हो। अरे बुबू तुम तो समझ ही रही हो है ना अनुष्का से मैं कितने दिन बाद मिला हूँ और अनुष्का मुझे बहुत जोर कर रही थी इसलिए मैं उसके साथ लंच पर गया था। हाँ ठीक है दूदू तुम जाओ फ्रेश होके आ जाओ हम दोनों डिनर कर लेते हैं। नहीं बुबू आज मैं डिनर नहीं करूँगा एक्चुअली मेरा नूडल्स खा के टमी फुल हो गया है इसलिए आज मैं डिनर नहीं करूँगा। ठीक है बुबू? ठीक है दूदू अच्छा ही हुआ है मैं सोच रहा था कि तुम जब ऑफिस से घर पर आओगे तब मैं तुमसे सुनकर ही तुम्हारी पसंद का खाना डिनर में तैयार करूँगी। अच्छा ही हुआ मैं पहले से खाना नहीं तैयार किया हूँ नहीं तो खाना वेस्ट हो जाती मैं
मैंने तो तुम्हारे लिए सुबह भी ब्रेकफास्ट तैयार की थी और लंच भी तुम्हें साथ ही दे दिया था, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है। ठीक ही है डूडू, तुम सो जाओ। अरे बुबू, तुम क्या नाराज हो गई हो मुझसे, बताओ बुबू। अरे डूडू, तुम भी ना कैसा बात करते हो, मैं नाराज क्यों होंगी। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ही है, तुम सो जाओ सो जाओ। ठीक है बुबू, मैं सो जाता हूँ। मैंने सुबह सुबह उठ के इतना अच्छे से, इतना प्यार से डूडू के लिए खाना बनाई हूँ, लेकिन डूडू ने मेरा हाथ का खाना नहीं खाया है। अच्छा ही है, मैं तो खाना अच्छा नहीं बनाता हूँ, डूडू रेस्टोरेंट में खाना खाया है। ठीक ही है सब कुछ, डूडू आज ऑफिस से लौटकर इतना ही खुश है कि वो मुझे किसी देना भी भूल गया है। जो भी है, मैं भी उससे कुछ भी नहीं मांगूंगा। हेलो गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है ना? चलो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मेरे प्रीवियस दो वीडियो है, तुम लोग चाहो तो ये दो वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो को बहुत बहुत शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स टू ऑल।